हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 12G एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो मैग्नीफिकेशन सेटिंग को अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैग्नीफिकेशन सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ना नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ये मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन पे सेलेक्ट करना है। अब मैग्नीफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा मैग्नीफिकेशन शॉर्टकट ऑफ, इसके नेम के ऊपर आपको टैप करना है। तो आपका ये पेज ओपन होगा मैग्नीफिकेशन शॉर्टकट का। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं इस पेज में, इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, बॉक्स में राइट टिक लग जाएगा। इसके बाद आपको नीचे ये सेव का बटन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपकी मैग्नीफिकेशन सेटिंग ऑन हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ये मैग्नीफिकेशन का एक शॉर्टकट बटन आपका शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैग्नीफिकेशन सेटिंग को अपना किसी भी पेज में, किसी भी ऐप में आप इसका कभी भी यूज कर सकते हैं। कैसे, ये जो शॉर्टकट बटन है इसे आपको एक बार टैप करना है, तो यहाँ पर आपकी एक छोटी सी स्क्रीन आएगी। छोटी स्क्रीन में आपको है ना ब्लैक कलर का हाथ दिया हुआ है, इस ब्लैक कलर के हाथ को आपको उंगली से दबा के रखना और छोटी स्क्रीन को आप पूरे मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे लेटर जो है कितने ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नीचे की साइड में हल्का सा टच करेंगे ना स्क्रीन पे, तो यहाँ पर ये नीचे की साइड हल्का सा ये एरो का बटन बॉक्स में सबसे नीचे शो होगा, इसे आप टैप करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, छोटी स्क्रीन जो है ना आपकी मैग्नीफिकेशन की वो आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है ना दो उंगलियों का यूज़ करना है आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए इस तरीके से। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीन का जो है जूम इस तरीके से कम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जूम कम हो जाएगा और इस तरीके से जूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस सेटिंग का यूज़ हम तब करते हैं मैग्नीफिकेशन सेटिंग का, जब हमें कभी जो है छोटी छोटी इमेज बड़ी करके देखनी होती है। ठीक है, इस सेटिंग से फायदा ये होता है कि छोटी छोटी इमेज जो होती है इससे जूम करके देखने से वो फटती नहीं है, यानी कि ब्लर नहीं होती। ठीक है ना, तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी मैग्नीफिकेशन सेटिंग। अगर आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन को फिर से नॉर्मल कंडीशन में करना है तो आपको ये शॉर्टकट बटन फिर से दबाना है, तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके फोन में।